दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मुस्कान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, आप लोगों को बताया भी था कि माइंड को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि माइंड को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि माइंड हमारे पास दो तरह से होता है। एक माइंड तो आपका जो ट्रेंड माइंड जिसके नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है अनट्रेंड। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आप अपने माइंड को कुछ समय तक यूज़ नहीं करते तो वो माइंड अनट्रेंड हो जाता है, और उस माइंड को ट्रेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपने माइंड को आप ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। लंदन की एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट की रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे कुछ रिजल्ट मुझे मिले हैं, और उसी के हिसाब से मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। जो मेरी रिसर्च के हिस्से में रहा है वो कुछ चीज़ें ये हैं। जैसे आप सबसे पहले तो आप अगर अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको नॉन डोमिनेंट हियर करना, यानी कि उल्टे हाथ से काम। दोस्तों अगर हम अपने उल्टे हाथ से काम कर सकते हैं तो इससे हमारा सीधा सा फर्क हमारे माइंड के ऊपर जाता है, और हमारा माइंड कुछ ऐसी स्थिति में जाता है जिससे उसे ज़्यादा पावर मिलती है। दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मोर रीडिंग, बहुत अधिक पढ़ना। दोस्तों जब हम कभी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड यूज़ होता है, और उससे भी हमारे माइंड को ट्रेनिंग मिलती है। तीसरा पार्ट दोस्तों कि क्लोज योर आइज एंड सम वर्क, यानी आपको अपनी आंखें बंद करनी है और फिर कुछ एक ऐसा काम करना है जो अपनी आप बंद आंखों से कर सकते हैं। लाइक अपने कमरे की लाइट को बंद करिए और फिर कुछ करने की कोशिश करिए, जैसे कुछ सामान पकड़ने की कोशिश करिए, या फिर आप कुछ ऐसा काम जो आप बंद कमरे में अंधेरे में कर सकते हैं वो सारे काम करिए। ऐसा करने से आपको आपका माइंड ट्रेंड होता नज़र आए, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, एक और टिप्स है कि अगर आप अपने फोरहेड पर यानी मत्थे के ऊपर उंगली को कुछ इस तरह से रखें और ऐसे रखिए, यानी कि अपने फोरहेड पर रखिए और कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए, कुछ कंसंट्रेट करिए इस उंगली के ऊपर, कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए, तब आपको कुछ पावर मिलेगी। दोस्तों ये जो फिंगर होती है इस फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और इस इंडेक्स फिंगर का काम पावर देना होता है। पावर जब हम अपने माइंड के ऊपर कुछ इस तरह से रखते हैं तो ये उंगली में पावर देती है और हमको पावर मिल जाती है। दूसरी चीज़, उंगली को कुछ इस तरह से रखना है आँख के कुछ इतनी दूरी पर और इस उंगली के ऊपर कंसंट्रेट करना है आपको। ऐसा करने से आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आपकी आइज़ यानी आँखों के अंदर अगर कुछ आपकी रोशनी कम पड़ रही है, दिखता कम है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आँखों के अंदर, उससे हमारी आँखें भी सही हो जाएंगी और हमारा माइंड भी ट्रेंड हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम पजल्स खेलें यानी माइंडी गेम खेलें, पजल्स जैसे कुछ एक्टर एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ सीनरीज होती हैं, उनको आपस में जोड़ करके और हम वो चित्र बना सकते हैं। एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा कि हम एक क्यूब खेलते हैं, उससे भी हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास कुछ अच्छा समय है तो आप शतरंज खेल सकते हैं यानी चेस खेल सकते हैं। विश्वनाथन आनंद इसके गुरु माने जाते हैं, आप सबको पता होगा। इसके साथ साथ लोगों को, नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करिए, उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपके माइंड के ऊपर बल मिलेगा और आप एक वेल ट्रेन माइंड वाले कहलाएंगे। साथ साथ दोस्तों सपना देखना, दोस्तों हम में से सभी लोगों को सपना देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम उस सपने को याद भी रख पाते हैं? ऐसा बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि हम अपने सपने को याद कर पाते हैं। कुछ लोग तो अपने सपने को एक घंटे में भूल जाते हैं, कुछ लोग अपने सपने को 2 से 3 घंटे तक याद कर पाते हैं, और कुछ लोग अपने सपने को 6 से 7 घंटे तक देख पाते हैं या याद कर पाते हैं। दोस्तों हमको ऐसा कुछ बनना पड़ेगा कि हम भी उन 7-8 घंटे वाले बन जाएं, यानी हम अपने सपने को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसको याद करने की कोशिश करें। ऐसा करने से भी आपका माइंड ट्रेंड होगा। इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट और आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि हमें इन्हीं सारे चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि हमें अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई काम का नहीं है। यानी हम
अगर अपने माइंड को ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो फिर हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा माइंड कभी ट्रेन नहीं होना सकता या हो नहीं पाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि पहले आप एक क्वेश्चन रोज डेली अपने माइंड को याद कराने की कोशिश करिए, फिर आप दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, जिस दिन आपका माइंड रेडी हो जाएगा उस दिन आप अच्छे और एक बेहतरीन माइंडी पर्सन कहलाएंगे। और आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे जैसा प्यार अभी भी दे रहे हैं ऐसे आगे भी देते रहिए। आपका सहयोग मिलता रहा तो आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये होस्ट आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।